हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा, आज हम आप वीडियो में जो बात करेंगे वो है अश्वगंधा की। अश्वगंधा बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप एक बार सुनकर ये सोचेंगे कि अश्वगंधा को तो खाने में भी काम लगाते हैं, अश्वगंधा से फैट भी बढ़ता है, फैट लॉस भी होता है, दोनों ही चीज़ों में अश्वगंधा काम आती है। लेकिन आज मैं आपको डाई के रूप में अश्वगंधा से आप अपने बालों को कैसे काला बना सकते हैं वो मैं बताऊंगी। अश्वगंधा बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल वाली होती है, इन्फेक्शन दूर करती है। इससे जो बालों के लिए इसका फायदा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा कम उम्र है, उसके बाद उनके बाल सफेद हो गए हैं, वो तो काला बनाएगी, साथ साथ इन्फेक्शन दूर करेगी, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करेगी, बालों को काला बनाएगी। और बालों की अगर जिन लोगों को लगता है कि उनके बाल बढ़ते ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, बिल्कुल ही रुक गए हैं ग्रोथ, तो उनकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगी। तो हर तरीके से बालों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छी होती है। आपने बहुत बार देखा होगा लोगों की वीडियो में, लेकिन अश्वगंधा को कैसे इस्तेमाल करना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो अश्वगंधा को हम कैसे, अश्वगंधा की डाई से कैसे अपने बालों को काला बना सकते हैं, घना बना सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं उस डाई को बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे वो आप मेरी वीडियो का फ़ायदा उठा सके और साथ साथ कोई और भी उस चीज़ का फ़ायदा ले सके। अगर पसंद आती तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अश्वगंधा की डाई बनाना। हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ब्लैक हेयर डाई के बारे में बताने वाली हूँ। ये मैंने सिर्फ दो चीज़ों से बनाई है और इसका रिजल्ट बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने क्या सामान इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बताऊँगी। और मैं आपको सबसे पहले ये दिखा देती हूँ, देखिए आप किनारे से देख सकते हैं, इसे मैंने सिर्फ आधा घंटा पहले बनाया है और इसका कलर बहुत ही ब्लैक हो गया है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका बालों में, तो बहुत ही झटपट आने वाला कलर है और हर उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छी डाई है ये। तो इसे बनाना कैसे है, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए हमें, चलिए शुरू करते हैं उसे बनाना। ये देखिए मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब हम बनाएंगे इस डाई को जो मैंने आपको बताई थी, बहुत ही ब्लैक बनी है और बहुत अच्छी है। तो ये डाई जैसी हम बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे जो कढ़ाई है उसे सुखा लेंगे अच्छे से। देखिए ये सूख चुकी है और इसमें हम एक चम्मच आंवला पाउडर डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको थोड़ा सा ब्लैक करना है हमें। देखिए इस तरीके से जब ये अच्छे से ब्लैक हो जाए तो आप गैस को बिल्कुल बंद कर दीजिएगा और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे हम। इसको इसी में फैला कर रखिएगा जिससे कि और अच्छे से ब्लैक हो जाए, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि उनके बालों में डाई का कलर बहुत ही ज़्यादा रेड आ रहा है, तो उनके लिए इस तरीके से डाई बनाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इसको हम इसी तरीके से इसमें अच्छे से फैला के रखेंगे और हम इसमें दूसरी झाड़ डालेंगे अपनी, जो बहुत ही अच्छी होती है बालों के लिए, तो मैं उसके बारे में आपको बता दे। और अब हम इसमें डालेंगे जो अपनी दूसरी हर्ब है वो इसमें मैं डालूंगी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, एक चम्मच और ये दो चम्मच इसमें हम डालेंगे अश्वगंधा का पाउडर। अब आप सोचेंगे अश्वगंधा तो हमने सुना है कि फैट लॉस करने के लिए होती है, फैट को बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अश्वगंधा बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो बस उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। अश्वगंधा को कभी भी आपको एक तो भूनना नहीं चाहिए और इसे बहुत ही ज़्यादा गर्म गर्म पानी में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसमें मैंने आंवला के साथ दो चम्मच अश्वगंधा का पाउडर लिया है। अश्वगंधा में क्या होता है, ये बहुत ही एंटी ऑक्सीडेंट वाली होती है, बहुत ही ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल होती है, इसलिए ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और फैट लॉस करने के लिए इसको कैसे यूज़ करना है वो भी आपको बताऊंगी मैं, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको फैट लॉस करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ होती है फैट बढ़ाने और फैट घटाने दोनों के लिए, घटाने के दोनों के काम आती है। तो अब देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे सीरम, तो आपके पास, मैं थोड़ा सा गैस को ऑन कर देती हूँ हल्का सा, क्योंकि मेरा सीरम थोड़ा मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ तो थोड़ा सा ठंडा है, तो कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाएगी वो, तो वो थोड़ा उसकी तासीर चेंज हो जाती है। और अब देखिए ये मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था सिर्फ हमें हल्का सा इसे गर्म करना है, क्योंकि मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था अपना सीरम, तो ज़्यादा ठंडा हो गया था वो। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये मैंने आंवला, शिकाकाई, हरड़, बहेड़ा और कूट, उन चीज़ों का सीरम बनाया हुआ है। ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके पास ये वाला सीरम भी नहीं है तो आपके पास अगर आपके पास ये वाली हर्ब नहीं है या फिर कोई भी सीरम नहीं है, तो आप सिर्फ चाय की पत्ती का पानी पकाकर अच्छे से उसका सीरम बना सकते हैं।
चाय पत्ती, आंवला को, शिकाकाई को, आप कुछ भी डाल सकते हो, गुड़हल के पत्ते, आम के पत्ते, कुछ भी चीज का सीरम बना लीजिएगा, इसमें इस्तेमाल कर लीजिएगा जो भी आपके पास अवेलेबल है सीरम। लेकिन प्लेन पानी में आपको बिल्कुल नहीं घोलना है इसे, थोड़ा सा हर्बल चीजें और अच्छे से असर करती हैं बालों में अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो अब मैं ये सीरम इसमें डालकर थोड़ा सा छान कर डाल दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मेरी कढ़ाई मैंने आपको बताया था ना थोड़ी सी गर्म है वो हल्की सी, तो ये सब चीजें हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से तो मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जैसे जैसे ठंडी होती रहेगी, एक तो ये गाढ़ी होती रहेगी और दूसरा ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसे हर उम्र के लोग लगा सकते हैं। आप इसे जब बालों में अप्लाई करेंगे, बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है बालों में, अश्वगंधा बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर आप इस ड्राई को रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, आपने एक महीने से इस्तेमाल कर लिया अगर रेगुलर, तो आपके बालों की जो 95% प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपके बाल टूटना झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल घने हो जाएंगे। तो ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही हर्बल डाई है ये। इसे आपको कम से कम 1 घंटा तो आप जरूर बालों में लगाएं, 1 से 1.5 घंटा। क्योंकि क्या होता है, हर्बल चीज़ें जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो उनके बालों में एक बार में अच्छे सा कलर नहीं आएगा, लेकिन जो हर्बल चीज़ें इस्तेमाल बराबर करते रहते हैं उनके बालों में बहुत अच्छा कलर आएगा। तो आप इसे बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने दूसरे चैनल का भी लिंक दूंगी। प्लीज़ जितना आप मुझे यहाँ रेस्पेक्ट देते हैं, यहाँ मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप वहाँ भी पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, कल फिर बहुत अच्छी डाई लेकर फिर आऊँगी दोबारा मैं। तो आप इसे बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।